आगरा के फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर गठबंधन प्रत्याशी भगवान शर्मा उर्फ गड्डू पंडित और बसपा के पूर्व विधायक कालीचरण सुमन ने भड़काऊ भाषण दिया है। उनका बयान दिया है कि पूर्व बसपा विधायक सुमन ने अपने बयान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गुंडा बताया है। पूर्व बसपा विधायक ने कहा कि योगी आदित्यनाथ पर कई आपराधिक मामले चल रहे हैं और कई विचाराधीन भी हैं। सुमन ने प्रत्याशी गुड्डू पंडित को गरीबों का सहारा बताया है। सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल हो रहा है कि फतेहपुर सीकरी की जनता इस बार एक गुंडे को चुनेगी या फिर एक नेता को। गठबंधन प्रत्याशी गुड्डू पंडित ने कहा कि गुंडों को गुंडे नजर आते हैं और खुद महागुंडे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज को पूर्ण रूप से गलत बताया। बोली वाली जनता में जो आज शोषण हो रहा है किसानों का, नौजवानों का, तो अब उनको नौजवान गुंडे नजर आने लगे, किसान गुंडे नजर आने लगे, गरीब को न्याय दिलाने वाला व्यक्ति, नौजवानों की बात करने वाला व्यक्ति गुंडा लगने लगा उन्हें। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ है, तब से भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ी है और देश के प्रधानमंत्री और योगी जी जो मुख्यमंत्री उनकी भी नींद उड़ी है और फतेहपुर सीकरी के लोकसभा के प्रत्याशी हैं उन सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग नींद उड़ी है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, घबरा। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।